माय चैनल इडुरीत बीत और आज हम बिहार बोर्ड के 50 अंक क्लास 12th के राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक अद्भुत रचना जीवन संदेश का अर्थ समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म संवत 1996 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। खड़ी बोली के कवियों में से इनका महत्वपूर्ण स्थान था एवं इनके काव्य में भाषा की सौंदरता और शैली की सरलता रहती है। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार की रचनाओं की ओर चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पथिक, मिलन, स्वप्न और कविता कौमुदी है। इसी के साथ हम इनकी अद्भुत रचना जीवन संदेश की ओर चलते हैं, जो कि पथिक खंड काव्य से उद्धृत है एवं इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों की गतिशीलता या क्रियाशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सतत कर्मशील रहने का संदेश दिया है। अतः हमें कर्मशील एवं कर्मवादी मनुष्य की भांति अपने कर्म की ओर अग्रसर होने चाहिए। इसी के साथ हम इनके पहले पंक्तियों की ओर आते हैं। तो पहला है, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में जैसी कैसी तत्परता है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जग में जितने भी सचर अर्थात गतिशील तथा अचर यानी कर्मशील प्राणी हैं, सभी के अपने अपने कर्म हैं, सभी अपने अपने कर्म में व्यग्न हैं अतः व्यस्त हैं। अतः एक तुच्छ पत्ता भी, एक तुच्छ तृण भी अपने कर्म में विलीन है अतः उसे भी अपने कर्म की तत्परता है। ओके, और वह लोगों को शीतलता प्रदान करने के बाद ही अपने स्वकर्म का निश्चित पालन करते हुए अपने शरीर को त्यागता है। ओके, तो इसी के साथ हम दूसरे पैरे पे आते हैं। इसमें कवि ने कहा है कि सिंधु विहग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निग्मग्न नित भूमि खंड के सेवन में रक्षण में कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बांट आता है। सत्य सींचते धन जीवन धारण कर नित जाता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है कि अपने तरंगों के माध्यम से एवं विहग अर्थात पक्षी अपने पंखों के माध्यम से भूमि की सेवा में लगे हुए हैं, पवन भी घरों में सुगंध बांटता है तथा सत्य जीवन धार को सींचता है। ओके, तो इसी के साथ हम थर्ड पैरे पे आते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दुष्ट न आता है। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता अंत कर्म मय दंड का। अर्थात कवि ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि सूर्य जगत में शोभा बरसाता है अर्थात लोगों को रोशनी प्रदान कर अपने जीवन को साकार करता है, व्यर्थ करने से बचाता है तथा चंद्रमा अमृत बरसाता है एवं सभी को शीतलता प्रदान करता है। सभी अपने कर्म में व्यग्न है, यहाँ तक कि एक छोटे से तृण अर्थात पत्ते का भी एक जीवन का उद्देश्य है तथा अपनी लघु आयु में भी वह कर्मशील रहता है एवं उसी की उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वह अपने शरीर का अंत करता है। ओके, इसी के साथ हम फोर्थ पैरे पे आते हैं। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विकसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए हैं तुमने निज जीवन में। अर्थात इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य कहा है कि हम तो मनुष्य हैं तथा हमें जन्म से ही बहुत
हम में जन्म से ही बुद्धि बल विकसित है, लेकिन क्या हमने कभी जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचा? कवि का कहना है कि हमें अपने एक जीवन के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या हमें अपने जीवन के बारे में सारे कर्तव्य समाप्त कर लिए हैं। पांचवे पंक्ति में है, जिस पर गिरकर उधर गिरी दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधात्सम तुमने नीट पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बसे घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दृढ़ मन प्राण जुराए। ओके, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि जिस धरती पर जिस माँ के उदर से तुमने जन्म लिया है एवं जिस धरती का अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो, जिस धरती का अमृत के समान नीर पिया अर्थात जल पीकर तुम तृप्त हुए हो, जिस धरती पर तुम खड़े हुए हो खेले घर बनाकर बसेरा किया एवं अमूत सुख पाया, जिस रूप एवं विलोक अथार जिस धरती पर रहकर तुमने इतने सुख पाए एवं अमोर सुख पाया, जिसका रूप विलोक अर्थात जिस धरती पर रहकर तुमने इतने सुख पाए, अपनी आत्मा एवं प्राण चुराए, क्या तुम्हारा इस धरती के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? इस पंक्ति में है, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सीखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया, अर्थात वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? अर्थात जिससे स्नेह की मूर्ति करुणामयी माता के समान मही अर्थात धरती के प्रति तुम्हारा कोई शेष नहीं है? जिन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर प्रथम बार तुम्हें चलना सिखाया, अर्थात जिस धरती पर तुमने चलना सीखा, जिसके माध्यम से तुमने अनेक भाषाएं सीखी, अपने इस अद्भुत शरीर का प्रदर्शन किया या दर्शन पाया, क्या उस करुणामयी माता के प्रति धरती माता के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम सातवें दोहे को पढ़ते हैं। जिन कठिन कमाई का फल खाकर तुम बड़े हुए हो, दीर्घ देह ले बाधाओं में निर्भर खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, आतप वर्षा शीत काल में पीड़ित न हो सके हो, तो निम्नलिखित पंक्तियों में के माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस धरती माता का कठिन परिश्रम का फल खाकर तुम बड़े हुए हो, अर्थात जिस धरती का अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो और दीर्घ अर्थात विशाल शरीर पाकर बाधाओं से बड़े हुए हो, और जिस धरती के उपज के सूत से वस्त्र पहन अपने शरीर को ढके हो एवं वर्षा धूप से बचे हो, क्या ऐसी करुणामयी धरती के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आठवां। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? सतत चलित दुख दावा नल में जग के दारुण रण में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भागे जिस बसे निर्जन में। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्या तुमने धरती माँ के उपकारों का कर्ज चुका दिया है? क्या तुमने अपने सारे कर्तव्य को पूर्ण कर लिए हैं? जो इस धरा अपनी पितृ दुखित संतानों से दुखी है, इस भीषण संसार में दुख के अग्नि में जल रही है एवं तड़प रही है,
उस अपने अपने गरीब बच्चों एवं पीड़ित बच्चों के लिए, एवं तुमने उन्हें इस दुख की ज्वाला में अकेला चलता छोड़ एकांत में घर बसा लिया। क्या तुमने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लिए? यह कायर की भांति एकांत में जाकर छिपे हुए हो। कवि के अनुसार इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से, भावात्मक कविता के माध्यम से, मानव को सतत कर्मशील रहने का संदेश दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।